फ्रेंड्स, जो अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो जानकारी है बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2021 के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लें कि ऐसा नहीं है कि आज यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप करते हैं और इसमें आपकी जॉब सुनिश्चित हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ये संभव कैसे है? तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी संभव है। ऐसा नहीं कि आप 6 मंथ 2 मंथ पढ़ लिए तो आपको सरकारी नौकरी हो जाएगी, सरकारी जॉब हो जाएगी, ये मेरे हिसाब से कहना उचित नहीं है। तो चलिए, ये सब बातें होते रहेगी। मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2021 के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या है, आप मेरे चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आपके लिए मैं ये चीज़ देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि बिहार पुलिस की 11,880 पद आने वाली है, जिसमें रिटेन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ये होने वाले हैं। अभी इसका डेट सुनिश्चित नहीं किया है, लेकिन कब आने वाले हैं जो। तो चलिए आगे चलता हूँ। इसमें आपको 6 भागों में बांटा गया है। आप स्क्रीन पर देखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब ये सारी चीज़ें, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इन सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चंस आएंगे। आप प्रतिदिन का जो न्यूज़पेपर पढ़ना ना भूलें। पार्ट ए में होगा हिंदी। हिंदी में आपको अशुद्ध वाक्यों से के शुद्ध रूप, विलोमार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता, वर्तनी के सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, ये आपको हिंदी से पूछे जाएंगे। पार्ट बी में है इंग्लिश। इंग्लिश में वो क्या करना है, ग्रामर, एरर करेक्शन, मुहावरे और वाक्यांश, शब्दावली, टेंस, रिक्त स्थान को भरने यानी फिल इन द ब्लैंक्स, सामग्री, आर्टिकल, वर्ब, क्रिया, वाक्य व्यवस्था, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, विलोम शब्द एंटोनिम्स, समार्थक शब्द साइनोनिम्स, विलोम शब्द एंटोनिम्स, विषय क्रिया समझौता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब इसमें क्या करना है, आपको एरर करेक्शन आएगा, मतलब गलतियों को सुधारना, कुछ ग्रामेटिकल्स आएंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे कि भाई इसमें क्या शुद्ध होगा, क्या भरा जाएगा, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, विलोम शब्द और समानार्थक शब्द, ये आपको इंग्लिश से पेपर्स आते हैं, ये इनके सिलेबस है। तीसरा है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको मैं बताता हूँ कि संबंध एवं फलन, गणितीय तर्कशास्त्र, द्विघात समीकरण, द्विपद प्रमेय, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, एवरेज, औसत, प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ और हानि, घड़ियों के सवाल, क्लॉक्स, अनुपात, रेशियो, रेशियो, अंक गणित और डेटा व्याकरण जिसमें बार ग्राफ शामिल है, अर्थमेटिक्स, डेटा वृत्त चित्र रहेंगे आपके, इसमें रेखा और रेखांकन, समीकरण, कार्य समय, टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ऊंचाई और दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंस, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज और संभावना, ये सारी चीज़ आपको मैथमेटिक्स से हैं। डी में हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि आपको अब क्या है कि सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से भी हिस्ट्री आती है, बिहार, भारत और इतिहास, बिहार की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, बिहार की राजनीतिक पार्टियाँ, अपने देश की राजनीतिक पार्टियाँ, बिहार का विकास, बिहार की संस्कृति आदि का क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें आपको अर्थशास्त्र से आएंगे, नदियाँ, पठार, सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, अनुप्रयोग, मतलब ये आएंगे, पृथ्वी, अर्थ से आएंगे, फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको आएंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज में आता है एनवायरमेंट, जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, फेमस बुक्स एंड ऑथर, वनस्पति विज्ञान, बोटनी, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन कल्चर, भूगोल, ज्योग्राफी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, जेके, मतलब इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश की मिट्टी, उर्वरक, कोई आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सारे के सारे आपको लेटेस्ट आने वाले हैं, आएंगे।
अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही पाषाण काल में कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, वही क्वेश्चन रट रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको अब क्या हो गया है, ये सारा चीज़ अपडेट हो चुका है। आप जो अपडेट है, जो आपका करंट अफेयर्स है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। न्यूज़पेपर पढ़े, पार्टियाँ, अभी कौन जीत रहा है, कौन हारा, हमारा देश, हमारे राज्य का उसके पड़ोसी देश से क्या संबंध है, इन सारे से क्वेश्चंस आते हैं। हाल ही में कोई घटना घटा है तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, आविष्कार आविष्कारक आते हैं। तो 30 क्वेश्चन पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस का रहेगा, 30 मार्क्स। पार्ट बी जो मैंने बताया 30 क्वेश्चन 15 मार्क्स, पार्ट सी 60 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, टोटल आपको 75 मार्क्स का आएगा। तो ये छोटा सा सिलेबस मैंने आपको बताया, वो छोटा सा सिलेबस मैंने आपको बताया, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है कि अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में चलेंगे। लॉन्ग टर्म में कहने का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कि आज पढ़े और कल पास हो जाएंगे। अभी आपके अगल बगल जितने भी घटनाएं घट रही है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपको करंट अफेयर्स के माध्यम से आप उसको तैयारी कर लें, और उसके बाद आपका बिहार पुलिस में हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।